ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाइए और भी सारा टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी गुट का सरगना अल बगदादी कैसे मारा गया, पूरा घटनाक्रम जाने। अमेरिकी मीडिया ने पेंटागन के एक उच्च अधिकारी के हवाले से बताया कि अमेरिकी सेना ने शनिवार को एक कार्रवाई में दाइश के सरगना अबू बकर अल बगदादी के गुप्त ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई पश्चिमी उत्तरी सीरिया के इदलिब प्रांत में अल बगदादी के गुप्त ठिकानों की सटीक जानकारी मिलने के बाद अमेरिकी कमांडोज ने की। जब अमेरिकी सैनिक अल बगदादी के गुप्त ठिकानों की इमारत में दाखिल हुए तो वहां एक छोटी सी झड़प हुई। सूचना के अनुसार कुछ समय से इस इमारत पर नजर रखी जा रही थी। मीडिया में आ रही खबरों की माने तो पेंटागन के एक अन्य अधिकारी ने न्यूज़वीक को बताया कि उन्हें लगता है कि अबू बकर अल बगदादी मारा गया है और अभी उसके शव का डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि मरने वाला व्यक्ति अल बगदादी ही था। सीएनएन ने भी पेंटागन के एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट दी है कि कार्रवाई में भाग लेने वाले अमेरिकी कमांडोज जैसे ही बगदादी के गुप्त ठिकानों के करीब पहुंचे, वहां विस्फोटकों से भरी जैकेट का धमाका करके अपने आप को उड़ा लिया। सीएनएन के अनुसार इस अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अल बगदादी ने अपने परिवार के सदस्यों के सामने अपनी जैकेट को धमाके से उड़ा लिया। अधिकारियों का कहना था कि इस कार्रवाई के दौरान कोई भी बच्चा मारा नहीं गया, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी दोनों पत्नियां धमाके में मारी गईं। सीएनएन का कहना है कि अबू बकर अल बगदादी का पता लगाने के लिए सीआईए भी शामिल था। इस बीच लेबनान के अलमया दीन टीवी ने दाइश के सरगना अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने की घटना का ब्यौरा देते हुए बताया कि वो पश्चिमी उत्तरी सीरिया में स्थित हारिम क्षेत्र की बारिशा कॉलोनी में मारा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार हारिम का क्षेत्र आतंकी गुट नुरसा फ्रंट के नियंत्रण में है और इस क्षेत्र में अल कायदा से संबंधित दो आतंकी गुट अंसारुल तौहीद और हुर्रा सुद्दीन भी सक्रिय हैं। सीरिया में अलमियादीन के रिपोर्टर ने बताया कि पिछली रात अमेरिकी सेना ने 3 घंटे तक अपने सैनिकों को एक स्थान से दूसरी स्थान तक पहुंचाया। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 8 युद्धक हेलीकॉप्टर तुर्की की इंजर लीक छावनी से सीरिया के लिए उड़े और उन्होंने ये कार्रवाई अंजाम दी। रिपोर्टर का कहना था कि इस दौरान सशस्त्र लोगों ने हेलीकॉप्टरों पर फायरिंग भी की। अमेरिका के ड्रोन विमानों ने फायरिंग करने वालों की पोजीशन का पता लगाया और उन पर हमला किया और इसी तरह 2 घरों को ध्वस्त कर दिया गया। इराक के सुरक्षा सूत्रों ने भी बताया कि अमेरिका के 8 हेलीकॉप्टरों ने रविवार को आधी रात के बाद इदलिब के बारिशा क्षेत्र में दाइश सरगना अबू बकर अल बगदादी के गुप्त ठिकानों पर बमबारी की। को बताते चलें कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के प्रमुख अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने की खबर पहली बार मीडिया में नहीं आई है, बल्कि इससे पहले भी कई बार इस तरह की खबरें आई हैं, लेकिन इस बार अमेरिका ने डीएनए रिपोर्ट के हवाले से उसके मारे जाने की पुष्टि की है। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर कब कब उसके मारे जाने की खबरें सामने आई है। 2015 में बगदादी के एक एयर स्ट्राइक में घायल होने की खबर सामने आई थी। यह हवाई हमला सीरियाई सीमा के निकट बाज जिले में किया गया था। इस हमले के बाद खबर यह भी आई थी कि उसके बचने की संभावना ना के बराबर है, जिसकी वजह से आतंकी संगठनों के प्रमुख नेताओं ने एक आपात बैठक कर सभी संभावनाओं पर विचार किया था। इस बैठक में इस बारे में यह भी विचार किया गया था कि यदि बगदादी की मौत हो जाती है तो कौन आईएस की कमान संभालेगा। इसके बाद अब जबकि डिप्टी अबू आला अज अफरी ने इसकी जगह का संदेश लेने की कमान संभाली तो उसकी मौत की आशंका जताई जाने लगी थी, लेकिन इसके करीबी 1 माह बाद ही यह खबर सामने आई थी कि वो हमले में बच गया।
20 जुलाई 2015 को न्यूयॉर्क टाइम्स में बगदादी के मारे जाने की खबर की अफवाह उड़ने की खबर छपी थी। 11 अक्टूबर 2015 को इराकी एयरफोर्स ने कहा कि उसने पश्चिमी अंबर प्रांत में अल ब्राहिबाल की तरफ जा रहे आतंकियों के काफिले को निशाना बनाकर हमला किया था। ये काफिला आईएस की मीटिंग में हिस्सा लेने जा रहा था जिसमें बगदादी शामिल था। इस बार भी बगदादी के मारे जाने की खबरों को बल मिला था। इसी बीच ये भी सुनने को आया था कि इस काफिले में बगदादी शामिल नहीं था। 9 जून 2016 को इराक के सरकारी टीवी चैनल ने माना था कि अल बगदादी उत्तरी इराक में किए गए एक हमले में घायल हुआ है। हालांकि सूत्रों ने इस हमले में उसके मारे जाने की पुष्टि नहीं की थी। 14 जून 2016 को मिडिल ईस्ट की मीडिया ने बगदादी के मारे जाने की पुष्टि करते हुए यहां तक कहा था कि अमेरिका द्वारा रक्का में किए गए हवाई हमले में मारा गया है। बाद में कहा गया था कि आईएस की तरफ से ही बगदादी के मारे जाने की खबर गलत तरह से फैलाई गई थी। 3 अक्टूबर 2016 को मीडिया में आई खबरों में कहा गया था कि बगदादी समेत 3 अन्य को जहर दिया गया है, हालांकि वो मरा नहीं है। 18 अप्रैल 2017 को बगदादी के सीरिया में गिरफ्तार किए जाने की खबर सामने आई। यूरोपियन यूनियन फॉर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन ने इसकी जानकारी दी थी। इसमें सीरिया और रूस की संयुक्त सेना का जिक्र किया गया था। 11 जून 2017 को इस बार फिर से मीडिया ने बगदादी की खबर सामने आई जिसमें अमेरिकी हमले में का जिक्र किया गया था। 16 जून 2017 को रूसी मीडिया ने खबर दी कि रूसी हवाई सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक में बगदादी मारा गया है। ये हमला रक्का के निकट किया गया है था। खबर में यहां तक कहा गया था कि इस हमले में 300 से अधिक आतंकी भी मारे गए थे। हालांकि अमेरिका ने इस रिपोर्ट का खंडन किया था। 23 जून 2017 को रूसी नेता विक्टर आजेराव ने कहा कि उन्होंने 100% विश्वास है कि बगदादी मारा जा चुका है। इसके बाद ईरान ने ये कहते हुए इसकी पुष्टि की थी कि रूसी हवाई हमले में बगदादी की मौत हुई है। 29 जून 2017 को ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी द इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी ने ईरानी नेता आयातुल्लाह खुमैनी के हवाले से कहा कि बगदादी 100% मारा जा चुका है, लेकिन बाद में एजेंसी ने अपने अपडेट पब्लिश आर्टिकल में इसकी पुष्टि नहीं की थी। 17 जुलाई 2017 को इराकी न्यूज एजेंसी अल सुमेरिया ने अपने वेब संस्करण में कहा कि आईएस ने एक बयान जारी कर बगदादी की मौत की जानकारी दी है। 28 जुलाई 2017 फॉक्स न्यूज ने बगदादी की मौत की खबर प्रकाशित की थी। इसमें